So, hello everyone. Let's start with the next exercise today. 9.4. हमने मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखा. मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखा. Now we have two binomials. How to multiply two binomials? So let us start. 2x plus 5, 4x minus 3. अब हम इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है? 2x. फर्स्ट टर्म लिखेंगे, दूसरी ब्रैकेट एज इट इज. नाउ सेकेंड टर्म इज प्लस 5 और दूसरी ब्रैकेट एज इट इज. मींस जो 2x है ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और जो 5 है वो भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा. सो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s are 8, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, माइनस 2 3s are 6 एक्स, प्लस 5 4s are 20 एक्स, प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15. सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी गेट, 8x square 20 minus 6 14. बड़ी साइन पॉजिटिव, बड़ी टर्म पॉजिटिव है तो साइन आएगा पॉजिटिव. सो 8x square प्लस 14x minus 15, दिस विल बी आंसर. क्लियर? कैसे बाइनोमियल को सॉल्व करेंगे? इजी है, बस गलती नहीं करनी है, करते हुए मल्टीप्लाई ध्यान रखना है. सो फर्स्ट टर्म y किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकंड ब्रैकेट 3y minus 4. नेक्स्ट टर्म इज -8. साइन इज इंपॉर्टेंट, साइन को इग्नोर नहीं करना है. 3 y के साथ कुछ भी नहीं है, मींस 1. 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, y को y से किया y स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई y 4y, माइनस 8 3s are 24y, माइनस माइनस प्लस 8 4s are 32. सो व्हाट वी गेट, 3y square 24 and 4 दोनों माइनस के हैं, होगा एड, साइन आएगा माइनस, माइनस 28y प्लस 32. क्लियर? जैसे हम आइडेंटिटीज यूज करते थे ना, लाइक दिस, वैसे ही क्वेश्चन है. चलिए लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट. 2.5L माइनस 0.5M यस फिराज, 2.5L प्लस 0.5 है. हियर वी कैन यूज द आइडेंटिटी ऑल्सो, और जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है आप वैसे भी कर सकते हो, चॉइस इज योर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स है तो वी कैन यूज द आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यूज कैन यूज द आइडेंटिटी a इज 2.5L a स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर. 25 का स्क्वायर 625, अप्लाई द डेसिमल, 6.25 L स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर इज 25, सो 0.25 M स्क्वेयर. और अगर जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवाया है उस वे से करेंगे तब भी यू विल गेट द सेम आंसर. चेक कर लेते हैं, प्लस 0.5 M माइनस 0.5 M, 2.5 L प्लस 0.5 M. मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को 2.5 से किया 6.25, L को L से किया L स्क्वायर, 25 into 5 is 125, अप्लाई द डेसिमल, 1.25 L M माइनस 2.5 को 0.5 से किया 1.25 ML प्लस माइनस माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25 M स्क्वायर. LM और ML वन एंड द सेम थिंग, एक पॉजिटिव साइन के साथ है एक नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट वी गेट, 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर. So, देखो दोनों वे से आंसर इज सेम, चाहे आपने आइडेंटिटी यूज की
जब ब्रैकेट्स को ओपन करके सॉल्व किया, सो आंसर इज सेम। ठीक है, तो किसी भी वे से आप कर सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट। ओके, ए प्लस थ्री बी एक्स प्लस फाइव, ए प्लस थ्री बी एक्स प्लस फाइव, दिस इज द एक्सप्रेशन। मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स प्लस फाइव प्लस थ्री बी एक्स प्लस फाइव, सो मल्टीप्लाई करो, ए इंटू एक्स प्लस फाइव इंटू ए, थ्री बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया, थ्री बी एक्स, थ्री फाइव आर फिफ्टीन बी, यही आया राइट। हाँ जी, ए को एक्स से किया, ए एक्स फाइव इंटू ए, थ्री बी एक्स प्लस फिफ्टीन बी, कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो कोई भी एड नहीं होंगी टर्म्स, दिस विल बी द आंसर। ओके, मूविंग टू फिफ्थ पार्ट, टू पी क्यू, टू पी क्यू प्लस थ्री क्यू स्क्वेयर, थ्री पी क्यू माइनस टू क्यू स्क्वेयर, दिस इज द टर्म, थ्री पी क्यू माइनस टू क्यू स्क्वेयर, सो मल्टीप्लाई करेंगे, टू पी क्यू नेक्स्ट ब्रैकेट थ्री पी क्यू माइनस टू क्यू स्क्वेयर, नेक्स्ट टर्म इज प्लस थ्री क्यू स्क्वेयर, नाउ मल्टीप्लाई विद द सेकेंड ब्रैकेट थ्री पी क्यू माइनस टू क्यू स्क्वेयर, कीजिए मल्टीप्लाई, टू थ्री आर सिक्स, पी क्यू को पी क्यू से किया, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस टू टू आर फोर, पी एज इट इज, क्यू बेस सेम है, पावर एड होंगी, वन प्लस टू थ्री, नेक्स्ट टर्म थ्री थ्री आर नाइन, पी एक बार है, क्यू की दो टर्म्स है, पावर टू हियर एंड वन हियर एड करेंगे, क्यू क्यू माइनस थ्री टू आर सिक्स, क्यू स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर, क्यू रेज टू पावर फोर, क्या कोई लाइक टर्म्स है, चेक करते हैं, सिक्स पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर की कोई और टर्म नहीं है, पी क्यू क्यूब, यहां भी पी क्यू क्यूब, सो नाइन माइनस फोर फाइव, सो प्लस फाइव पी क्यू क्यूब माइनस सिक्स क्यू रेज टू पावर फोर, क्लियर, बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट अस मूव टू द सिक्स पार्ट नाउ, थ्री बाय फोर ए स्क्वेयर, थ्री बाय फोर ए स्क्वेयर प्लस थ्री बी स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई करना है फोर इंटू ए स्क्वेयर माइनस टू बाय थ्री बी स्क्वेयर। ओके, सो सबसे पहले जो सेकंड एक्सप्रेशन देखे उसके बाहर फोर है, तो पहले हम फोर को अंदर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन वी विल सॉल्व द टू बाइनोमियल्स, सो लेट्स स्टार्ट, फोर को ए स्क्वेयर से किया, फोर ए स्क्वेयर माइनस फोर टू आर एट बाय थ्री बी स्क्वेयर, नाउ हमारे पास दो बाइनोमियल्स आ गई राइट। आप ये भी कर सकते थे कि फोर को आप आगे रख लेते और जो दो बाइनोमियल्स हैं पहले उनको सॉल्व कर देते फिर फोर से मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि ये तीनों टर्म एक्चुअली में मल्टीप्लाई ही हो रही है, सो चॉइस इज योर्स। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, थ्री बाय फोर ए स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करेंगे फोर ए स्क्वेयर माइनस एट बाय थ्री बी स्क्वेयर, नाउ प्लस थ्री बी स्क्वेयर, नेक्स्ट एक्सप्रेशन फोर ए स्क्वेयर माइनस एट बाय थ्री बी स्क्वेयर, करो मल्टीप्लाई, कंफ्यूजन हो तो आप रफ में करके देख सकते हो, थ्री बाय फोर ए स्क्वेयर को फोर ए स्क्वेयर से किया, फोर से फोर कैंसल हो गया, क्या बचा थ्री, ए की पावर बेस सेम, पावर एड टू प्लस टू फोर,
ठीक है, मैं आपको रफ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये रैशनल नंबर में है, तो गलती नहीं करना, कहीं भी जरा से भी कंफ्यूजन हो रफ में करके देखो। ये 3 से 3 कैंसल हो गया, 4 2 8, तो क्या बचा? -2। सो -2, नाउ ए की पावर 2, बी की पावर 2, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है। नाउ प्लस 3 4 12, बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, ये 3 से ये 3 कैंसल हो जाएगा, 8 बचा। बी स्क्वेयर को बी स्क्वेयर से किया b4। अगेन आई एम सेइंग, जरा सी भी कंफ्यूजन है तो आप ये स्टेप खोल के कर सकते हो। नाउ ए की पावर 4 वाली एक ही टर्म है, नाउ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, सेम टर्म्स है। मल्टीप्लाई में ए इंटू बी लिखो जब बी इंटू ए, सो प्लस के 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 इज 10, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर -8 बी रेस टू पावर 4, सो दिस विल बी आंसर। यहां तक क्लियर सभी को? एक बार यहां तक आप सारे पार्ट्स रिवाइज करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। 5 -2x मल्टीप्लाइड बाय 3 + x। सिंपली फर्स्ट टर्म इज 5 (3 + x), नेक्स्ट टर्म इज -2x (, सेकेंड जो टर्म है 3 + x। 5 3s are 15, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, -2 3s are 6x, +/-2, x को x से किया x². सो व्हाट वी गेट? 15, दीज आर टू लाइक टर्म्स, -6 + 5, सो -1, -x - 2x², सो दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, x + 7y (7x - y). सो फर्स्ट टर्म इज x ((7x - y), नेक्स्ट इज +7y ((7x - y). कीजिए मल्टीप्लाई, एक्स को 7x से किया 7x² माइनस एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया प्लस 7 7s are 49 वाई एक्स प्लस माइनस माइनस 7 वाई को वाई से किया वाई स्क्वेयर 7x² xy या वाई एक्स एक ही बात है। 49 - 1 = 48xy -7y². क्लियर? मूविंग टू द थर्ड पार्ट, a² + b a + b² सो फर्स्ट टर्म इन द फर्स्ट ब्रैकेट इज a² a + b² सेकेंड टर्म इज +b a + b² कीजिए मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर को ए से किया, बेस इज सेम, एट द पावर्स प्लस a² b² दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। बी को ए से मल्टीप्लाई किया, बी को बी स्क्वायर से किया, बेस सेम, पावर्स एड। अब ये a² b² है, ये a b तो ये एड नहीं होंगी क्योंकि पावर्स आर डिफरेंट, सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, p² - q² मल्टीप्लाइड बाय 2p + q। करो मल्टीप्लाई जल्दी से, राइट द टर्म्स एंड फाइंड द आंसर। -q² टू पी स्क्वायर को पी से किया प्लस पी स्क्वायर को क्यू से किया -2q² p +/-q q। अब ध्यान दो, यहाँ पे p की पावर 2 है
और यहाँ पे p की पावर 1 है, तो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, इन्हें एड या सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ पे q की पावर 2 है। लाइक टर्म्स तभी हो सकती है अगर उनकी पावर ऑर्डर चाहे चेंज हो, पी क्यू या क्यू पी, लेकिन पावर्स भी सेम होनी चाहिए। पावर्स डिफरेंट है तो वो लाइक टर्म्स नहीं है, सो दिस विल बी आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 प्लस 25। सो दीज आर टू बाइनोमियल्स इन द ब्रैकेट्स जो मल्टीप्लाई होंगी पहले एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5। जैसे हम दो बाइनोमियल्स को सॉल्व कर रहे थे सेम वे से, जिसके 25 एक अलग टर्म है वो एज इट इज आएगी। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे अभी ब्रैकेट लगा सकते हो, क्योंकि आप अभी ये इन दो बाइनोमियल्स को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स से किया, एक्स क्यू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 5 5 आर 25। नाउ ये वाला प्लस 25, प्लस के 25 माइनस के 25 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स। क्लियर? पहले आप सिंपली बाइनोमियल्स को सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया है, उसके बाद जो भी टर्म आगे है वो एज इट इज। चलिए सेकंड पार्ट, मैंने रखे हैं ए स्क्वायर प्लस 5 इट इज अ बाइनोमियल, क्यूब प्लस 3 अगेन बाइनोमियल प्लस 5, दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 और ये वाला प्लस 5 एज इट इज। ए स्क्वायर को बी क्यूब से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 5 3s आर 15 प्लस 5। सो व्हाट वी गेट, लाइक टर्म्स कोई भी नहीं है, तो पहली तीन टर्म्स एज इट इज आ गई, दो कांस्टेंट टर्म्स हैं तो उनको हम ऐड कर देंगे, 15 प्लस 5 20। नेक्स्ट, टी प्लस एस स्क्वायर, टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस। सो कीजिए मल्टीप्लाई दोनों बाइनोमियल्स को, टी को मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर माइनस एस प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस। कंफ्यूज नहीं होने है, पावर्स को कुछ गलत नहीं लिख देना है। टी को टी स्क्वायर से किया, टी क्यूब माइनस टी एस प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एस क्यूब। नाउ ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, सेम नहीं है, तो कोई भी एड नहीं हो रही, दिस विल बी मूविंग टू फोर्थ पार्ट। What is the statement for the fourth part? A plus B C minus D. A plus B C minus D plus A minus B C plus D plus 2 ए सी प्लस। यहाँ पे देखो ये दो बाइनोमियल्स हैं, ये दो बाइनोमियल्स हैं, इन्हें सॉल्व करोगे, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो ठीक है, नहीं तो इसी तरह से ब्रैकेट्स लगा के करो। तो ए को मैं ब्रैकेट्स लगा के अभी आपको करवा रही हूँ ताकि आप लोग गलती ना करो, धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यू कैन डू डायरेक्टली। प्लस ए इंटू सी प्लस डी माइनस बी इंटू सी प्लस डी, इनको आप चाहो तो ओपन कर दो, अब यहाँ पे टू इंटू ए सी प्लस टू इंटू बी डी। नाउ सॉल्व द ब्रैकेट्स, ए इंटू सी माइनस ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी माइनस बी इंटू डी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी प्लस माइनस माइनस b into
D. Now let us find the like terms now. AC, AC वाली ये term है, AC वाली ये term है. तो क्या हो गया 2AC, और ये भी एक पड़ी है AC की. So 2 plus 2, 4AC. Clear? Now next AD की term है minus AD, और ये रहा plus का AD. Cancel हो गया. Next term BC की है. प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो गया. ये भी माइनस सी डी माइनस बी डी कितना हो गया माइनस टू बी डी, और ये प्लस के टू बी डी पड़े तो कैंसिल हो गया. चाहे तो आप अगले स्टेप में ऐसे लिख लो माइनस टू बी डी प्लस टू बी डी, फिर इन्हें कैंसिल कर दो जैसे आपको कन्वीनियंट हो. सो आंसर इज 4A. ठीक है. फिफ्थ पार्ट एक्स प्लस वाई. आप ये सारे क्वेश्चंस कल रिटर्न में करोगे और मुझे भेजोगे कि आपने 9.4 तक रिटर्न में कर लिया. प्लस एक्स प्लस टू वाई एक्स माइनस वाई. ठीक है. एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस टू वाई एक्स माइनस. तो ओपन द ब्रैकेट्स नाउ. एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस वाई से, प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस वाई से, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वाई, देन प्लस 2y इज हियर एक्स माइनस वाई. कीजिए मल्टीप्लाई. 2x को x से किया x square plus x into y plus 2yx. अब एयरपोर्ट पे से किया y square. x को x से किया x square minus x into y plus y into x plus minus minus 2y square. चलो लाइक टर्म्स ढूंढते हैं. 2x square और x square. So 2 plus 1, 3x square. y square की भी हमें directly दिख रही है. Plus के y square minus 2. Minus 2 plus 1. Minus 1 y square. अब चलते हैं अगली terms पे. Plus के xy और ये रहे minus के xy. Next is 2yx plus 2yx. तो ये हो गया plus के 4yx. Clear to all of you? चले sixth part पे move करें next पे. चलिए sixth part करते हैं. Sixth part is x plus y x square minus xy plus y square. Now one is binomial and other is trinomial. So method will be same to solve the equations. X square minus xy plus y square plus y into x square minus xy plus y square. So multiply karte hain. X ko x square se kiya x cube minus x square y. X do bar multiply ho gaya plus एक्स वाई स्क्वायर. यहां तक क्लियर. सेकंड ब्रैकेट प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई को वाई स्क्वायर से किया वाई क्यूब. सो लेट्स सी द टर्म्स. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये तो क्यूब वाली है. अब देखते हैं x स्क्वायर y, जहां पे x की पावर 2 है और y की 1. हियर वी हैव द टर्म x की पावर 2 y की 1. एक प्लस की है एक माइनस की, तो कैंसिल हो गया. नेक्स्ट x की पावर 1 है y की 2, ये सेम टर्म है विद ऑपोजिट साइन, तो कैंसिल हो गया. सो आंसर इज x क्यूब प्लस y क्यूब. ठीक है. नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट 1.5x माइनस 4y
minus 4y. Next bracket is 1.5x plus 4y plus 3. 1.5x plus 4y plus 3. And the next term is minus 4.5x plus 12y. So these two terms are different. ये दोनों ब्रैकेट्स में है, मींस ये मल्टीप्लाई हो रही है. 1.5x को पहले इस ब्रैकेट से करेंगे. 1.5x plus 4y plus 3. नेक्स्ट टर्म इज माइनस 4y, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x plus 4y plus 3. ये दोनों टर्म एज इट इज. कंफ्यूजन हो तो ब्रैकेट लगा लो, गलती मत करना. चलिए 15 को 15 से करेंगे 225, सो 2.25x स्क्वायर. 15 फोर्स आर 60, डेसिमल लगाया तो 6.0xy. 15 थ्रीज आर 45, सो 4.5x. यहां तक क्लियर? माइनस 15 फोर्स आर 60, सो 6.0yx. माइनस है बाहर तो साइन चेंज होंगे. 4 fours are 16y square minus 4 threes are 12y minus 4.5x plus 12y. Plus के 12y, minus के 12y cancel हो गए. ये plus के 4.5x, minus के 4.5x cancel हो गए. X square की एक ही term है, 2.25x square. Now 6xy, ये minus के 6yx. एक्स वाई या वाई एक्स एक ही बात है, तो ये भी कैंसिल हो गए. तो हमारे पास बचा 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर. सो दिस विल बी द आंसर. ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट पे. दिस वाज द सिक्स्थ सेवेंथ पार्ट. माय गॉड, हमने स्टेट ओके, दिस वाज सिक्स्थ. ओके, ये सेवेंथ पार्ट था हमारा. नाउ लेट अस मूव टू द एट्थ पार्ट. Last part and last question of this exercise. A plus B plus C. अब trinomial है दोनों. A plus B plus C. A plus B minus C. A plus B plus C. A plus B minus C. तो same वैसे ही होगा. अब तीन terms आ जाएंगी. A plus B minus C. फिर plus B के साथ दूसरी bracket. फिर थर्ड टर्म है C, उसके साथ दूसरी ब्रैकेट. मेथड विल बी सेम. A को A से किया, A स्क्वायर A इनटू B माइनस A इनटू C प्लस B इनटू A प्लस B स्क्वायर माइनस B इनटू C प्लस C A प्लस C B माइनस C स्क्वायर. स्क्वायर वाली टर्म्स आ गई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. अब आगे चलते हैं. ए बी और बी ए वन एंड द सेम थिंग, दोनों पॉजिटिव है, सो प्लस टू ए बी. अब आ गई ए सी की टर्म, माइनस के ए सी प्लस के सी ए कैंसिल. ए सी एंड सी ए वन एंड द सेम थिंग. माइनस के बी सी प्लस के सी बी, ये भी कैंसिल, क्योंकि बी सी लिखो या सी बी एक ही बात है, साइड ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस विल बी आर आंसर. Clear to all of you. This is all about exercise 9.4, जिसमें हमने सीखा how to multiply two binomials. ठीक है, तो next exercise में हम division सीखेंगे algebraic expression की. और कल आप लोग 9.4 तक, 9.1 से 9.4 तक written में practice करोगे with examples. और मुझे रिटर्न में काम चाहिए. जिसका काम नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट क्लास नहीं लूंगी उसकी. ओके okay?